आज हम लोग बनाएंगे आलू का पराठा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2.5 से 3 कप पानी, 5 आलू, और अभी हम इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मिर्ची, लहसुन, थोड़ी सी कोथमीर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक। हम जल्दी इसको पीस लें। पट्टी पीसने के बाद अभी हम इसको रख देंगे साइड में। अभी हम चलते हैं आलू को मैश करने। आलू को मैश करते समय अभी हम इसमें डालेंगे 2 प्याली हरी चटनी। इसको मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। इसको पूरा मिक्स करने के बाद अभी हम चलते हैं डो बनाने। आटे का डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 बड़े कप आटा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। इसको अब अभी हम अच्छे से गूंद देंगे। गुड। अच्छे से गूंदने के बाद अभी हम चलते हैं इसको पराठा बनाने। हमें 2 रोटी को बेलना है, उसके बाद हमें आलू भर देना है पराठे में। अभी हम चलते हैं इसको बनाने। अभी ऐसे करके हम सारे बना देंगे। सो गाइस, फाइनली हमारा आलू का पराठा बन चुका है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।